गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। इन्हें कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये अगस्त महीने का हमारा पहला डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक पोर्ट लुइस के बारे में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पोर्ट लुइस हाल फिलहाल में समाचारों में था, ये कहाँ अवस्थित है? तो आप बताएंगे, ये हिंद महासागर में अवस्थित देश मॉरिशस की एक शहर है। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ यानी कि पोर्ट लुइस में भारत के अनुदान से निर्मित किए गए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस जहां इसे स्थापित किया गया है उसके प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के द्वारा, इसलिए यह न्यूज़ में था। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत, उसके नीचे हिंद महासागर का क्षेत्र, ये जो आप स्क्वायर में देख रहे हैं वो मॉरिशस है। यदि आप उसे जूम करके देखेंगे तो मॉरिशस इस प्रकार से है। मॉरिशस के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी हिस्से में पोर्ट लुइस है, इसे आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखना है, पोर्ट लुइस कहाँ है, ये मॉरिशस में है। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक नागरिकता से संबंधित है। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता धारण करने वाले 2019-20 के साल में सबसे बड़ा प्रवासी समूह जो है वो भारतीय है। लगभग 38,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन गए। ये तब तक यानी कि 2019-20 से पहले तक प्रवासी के रूप में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता धारण करने वाले दूसरे स्थान पर जिस देश का स्थान है वो ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर पाकिस्तान है। लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दी गई है। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर से संबंधित है। ये हमारे सिलेबस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम और आप यही जानते हैं कि परमाणु तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमाणु विखंडन पद्धति का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संलयन विधि का उपयोग किया जाएगा। आप इस बात को जानते हैं कि जो सूर्य या फिर दूसरे तारे होते हैं उनमें जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो परमाणु संलयन ही है। मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलते हैं और वो हीलियम बनाते हैं। इस पद्धति के माध्यम से जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। इसी पद्धति का उपयोग करके अब पृथ्वी पर भी ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाना है वो दक्षिण फ्रांस के हिस्से में स्थापित किया गया ITER रिएक्टर के अंतर्गत किया जाना है। ये विश्व का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोध प्लाज्मा भौतिक प्रयोग होगा जिसके अंतर्गत टोकोमक परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। ये एक शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में परमाणु ऊर्जा का उपयोग होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये फ्रांस में कहां अवस्थित है। ये फ्रांस है, नीचे में भूमध्य सागर है और ये वो जो रिएक्टर स्थापित किया गया है उसकी अवस्थिति है। इससे जुड़े हुए दूसरे कुछ महत्वपूर्ण बात हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। ये विश्व का पहला ऐसा संलयन उपकरण का उपयोग करके शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में कदम होगा। यदि यह सफल होता है तो एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसके अंतर्गत एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यदि कार्य को शुरू किया जाता है तो उस देश में या फिर उस स्थान पर लंबे समय तक ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकेगा। इस परियोजना में कुल 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सहभागिता, अपने तकनीक, अपने वित्त के माध्यम से
इसे संचालित करने की कोशिश की है। सबसे पहले यूरोपीय संघ, ये बहुत सारे देशों का समूह है, चीन, भारत, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे महत्वपूर्ण आपको चीन और भारत के नाम को याद रखना है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है। इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो संलयन क्या होता है। फ्रेंड्स, संलयन का मतलब होता है कि जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलने के बाद क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद फिर वो आगे इसी पद्धति को बनाए रखते हैं। इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब ये आपस में मिलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। इसीलिए ये सूर्य और दूसरे तारों में देखा जाता है और इसी पद्धति का उपयोग करके पृथ्वी पर भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो वर्तमान में पृथ्वी में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हैं, जिसमें एक है ड्यूटेरियम, यानी कि जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और अन्य जो है वो ट्रिटियम है जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। जब इन दो चीजों को आपस में मिलाया जाता है लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर, तो उस तापमान पर ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। हालांकि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इतनी अधिक तापमान पर ऊर्जा का संलयन किया जाएगा तो उसे किसी एक कमरे में या फिर किसी एक तकनीक के अंदर बंद करके ट्रैप करके रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया गया उसी तकनीक का नाम टोकामक रखा गया था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि टोकामक क्या है तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा तकनीक है, एक ऐसा मशीन है जिसके अंतर्गत जब संलयन का कार्य किया जाता है तो उसके ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। मतलब ये कुछ इस प्रकार की तकनीक होगा जिसमें ऊर्जा को इतनी बार गोल गोल घुमाया जाएगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कहाँ जाना है, फिर धीरे धीरे वो शीतल पड़ जाएगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है टोकामक पद्धति के अंतर्गत। तो आप सबसे ज्यादा इसको यही याद रखेंगे कि टोकामक पद्धति जो है उसको संलयन की क्रिया में ऊर्जा को जो बहुत ज्यादा स्पीड से गति करेगा उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आसान भाषा में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ऊर्जा आगे बढ़ेगी तो उस ऊर्जा के माध्यम से या तो भाप का उपयोग करके बिजली बनाई जाएगी, या तो टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाई जाएगी, या फिर जनरेटर का उपयोग करके बिजली बनाई जाएगी। मतलब ये बीच का एक स्टेशन है जिसके आगे चलने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा टॉपिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिलियंस के बारे में है, रेजिस्टेंस के बारे में है। ये क्या होता है फ्रेंड्स? जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, मान लेते हैं कि उसको टीबी हो गया है, उसके शरीर में बहुत सारे टीबी के बैक्टीरिया हैं, यदि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दिया जाता है तो उसके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के साथ दोस्ती कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसको बैक्टीरिया से प्रभावित टीबी हुआ है वो एंटीबायोटिक खाएगा तो एंटीबायोटिक दवा का प्रभाव उसके शरीर में होगा ही नहीं। तो इसी प्रकार की जो प्रतिरोध बैक्टीरिया, वायरस या फिर दूसरे परजीवी जो रोग उत्पन्न करते हैं उनके द्वारा मानव शरीर में कर लिया जाता है, उसे ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि फ्रेंड्स, अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि भारत के जितने भी शहर हैं उसमें से लगभग 52% ऐसे लोग हैं जो स्थानीय स्तर पर जो दूध गवालों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, गायों से निकालकर उसे स्थानीय स्तर पर बेचे जाते हैं, वहां से किया जाता है। और जो गाय होते हैं उनको जो स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादक होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक खिलाते हैं, या तो वो इसलिए खिलाते हैं ताकि
जानवरों को बीमारी ना हो, या फिर इसलिए खिलाते हैं ताकि कोई बीमारी हो गई है तो वो जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन इस क्रम में वो गाय का दूध निकालना नहीं छोड़ते हैं। अब उस दूध को पी कौन रहा है? जो शहरों में जो बच्चे हैं वो पी रहे हैं, या तो बूढ़े पी रहे हैं जिनको बीमारियां हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि आने वाले समय में जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनको कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब वो एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर में जो बैक्टीरिया है या फिर जो दूसरे तरह के वायरस या परजीवी हैं, जो अभी उतने घातक नहीं है लेकिन कुछ समय के बाद घातक हो सकते हैं, तो इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत लोग हैं भारत में जो दूध पीते हैं स्थानीय स्तर पर, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके शरीर के जो बैक्टीरिया या फिर कवक या फिर वायरस हैं उन्होंने अपने आप को उसके साथ में फ्रेंडली बना लिया है, उसका प्रभाव नहीं होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का पांचवा टॉपिक अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर को अभी फरवरी महीने 2020 में असम में सबसे पहली बार भारत के असम में देखा गया था। हालांकि इस बीमारी को 1920 में अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया, उसके बाद फिर अभी यानी कि उसके 100 सालों के बाद भारत में देखा गया था, इसलिए ये न्यूज में था। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों को यदि हम ध्यान दें तो ये एक बहुत ज्यादा संक्रमक और घातक पशु रोग है। यदि किसी एक बार किसी पशु को, विशेष रूप से सुअर को या फिर किसी दूसरे जंगली जानवर को ये बीमारी हो जाए तो बचने की कोई संभावना नहीं है। ये इसलिए क्योंकि इसका अभी तक कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। एक सकारात्मक बात तो बस ये है कि ये मनुष्यों को अभी तक ये नहीं हुआ है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये मनुष्यों को नहीं हो सकता है। 100 साल के इतिहास में तो अभी तक नहीं ही हुआ है, तो आगे का देखना होगा। तो ये एक बात है, इसकी कोई दवा नहीं है, इंसानों को होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों को होता है। बचने का फिर उपाय क्या है, कैसे इसको रोकथाम किया जाता है? यदि एक बार पता चल जाता है कि जानवरों को ये बीमारी हो गई है तो सीधा सीधा उपाय है उसको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए और मारने के बाद जमीन में गहरे में दफना दिया जाए। तो यही एक उपाय है जिसके माध्यम से वर्तमान में इसको नियंत्रित किया जाता रहा है। अब ये अभी न्यूज में क्यों था जब फरवरी में ये बीमारी भारत में आई? तो इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन का दौर चला, इससे इसको रोकथाम के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं गया। तो जो असम के किसान हैं, जो लोग सुअर पालते हैं या फिर दूसरे मवेशी पालते हैं जिनको इससे प्रभावित हुआ था, उनको बहुत नुकसान हो चुका है। तो इसीलिए ये न्यूज में था, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। डिस्कशन का छठा टॉपिक मुद्रा विनिमय समझौता से संबंधित है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये समझौता होता क्या है, आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये भारत है और ये ईरान है। हम भारतीय क्या करेंगे, हम लोगों को तेल चाहिए तो हम जाएंगे ईरान के पास खरीदेंगे। ईरान क्या कहेगा कि तुम तेल तो ले जाओ लेकिन मुझे बदले में डॉलर दे दो। अब ईरान वालों को, क्योंकि वो डिजर्ट वाला इलाका है, वहां ज्यादा खेती वेती होती नहीं है, वो भारत के पास आएगा, चाहे सब्जी के लिए आएगा, चाहे तो धान के लिए आएगा, चाहे तो गेहूं के लिए आएगा। वो हमसे कहेगा कि हम लोगों को ये सामान दे दो, हम उसको कहेंगे कि ठीक है ले जाओ लेकिन हमको डॉलर दे दो। भारत का अपना मुद्रा है, ईरान का भी अपना मुद्रा है, लेकिन ये दोनों देश आपस में वस्तु विनिमय के लिए जो साधन का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, डॉलर। ये आपस में जो अपनी मुद्रा है उसमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ये दोनों देश ऐसा समझौता कर लें कि आने वाले समय में जब हम आपसी व्यापार करेंगे तो हम आपसी मुद्रा का ही उपयोग करेंगे, यानी कि हम जब खरीदेंगे तो हमारे पास रुपया है तो हम कुछ बहुत रुपया आपको दे देंगे, आप उसे रख लेना, जब आप वापस हमारे पास खरीदने के लिए आओगे तो हमें आप रुपया दे देना। यदि आपके पास रुपया नहीं है तो आप जो अपनी मुद्रा है उसे दे देना, हम उसे रख लेंगे। तो इस प्रकार की पद्धति होगी, जो तीसरा मुद्रा होगा जो इन दोनों देशों के इतर है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रणाली स्थापित किया जाता है उसे मुद्रा विनिमय समझौता कहा जाता है। अभी हुआ क्या है,
तो फ्रेंड्स, अभी भारत और श्रीलंका के जो केंद्रीय बैंक है उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर मुद्रा विनिमय किया जाएगा। मतलब ये दोनों देश इतने मूल्य के बराबर आपसी मुद्रा का उपयोग करके ही एक दूसरे से वस्तुओं को खरीदेंगे या तो बेचेंगे, आयात करेंगे या तो निर्यात करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। एक अन्य बात, क्या भारत इस प्रकार का समझौता सिर्फ भारत मतलब श्रीलंका के साथ किया है? जी नहीं, इस प्रकार के समझौता भारत का बहुत सारे देशों के साथ हो चुका है, जैसे कि जापान के साथ हो चुका है, ईरान के साथ भी इसी प्रकार का समझौता हुआ था। तो ये बहुत सारे उदाहरण है, तो ये आपने देख लिया। अगला, इस प्रकार के समझौते क्या द्विपक्षीय आधार पर हो सकते हैं? नहीं, ये बहुपक्षीय आधारों पर भी हो सकते हैं। जैसे कि आसियान के देश इग्नोर कर सकते हैं कि हम आपस में जब खरीद बिक्री करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, तो अमेरिकी डॉलर का यूज ही नहीं करेंगे, हम जो अपना मुद्रा है उसी का यूज करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का सातवां टॉपिक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित है। ये क्यों अभी न्यूज में है? क्योंकि देखिए, साल कौन सा चल रहा है, 2020। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में। 100 साल पूरा हुआ है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, तो फ्रेंड्स ये 1920 में स्थापित किया गया था, आप इसे जान चुके हैं। एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, क्योंकि जिस समय इसे स्थापित किया गया था भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का शासन था, औपनिवेशिक शासन था, इसलिए तो उन लोगों के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। ये एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है जो पूरे भारत में 1100 से ज्यादा अपनी शाखाओं के माध्यम से रक्तदान करवाता है, लोगों को मदद करता है। जब आपदा आ जाती है उस समय, या फिर कोई आपातकालीन स्थिति है, लोगों को रक्त का जरूरत है, तो इस समय इसको स्थापित किया जाता है, इसे मतलब लेन देन किया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जो पूरे वर्ल्ड में रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट मूवमेंट, जिसे आप प्लस साइन के साथ पहचानते हैं, वो है, उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है, उसी का एक भाग है, इसे आप जान सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत में, वो माननीय राष्ट्रपति हैं, और इसके जो चेयरमैन हैं, जो इसके कार्यभार को देखते हैं, वो भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, वो होते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, 100 साल पूरा हुआ है, पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक जो है वो इंडिया आइडियाज समिट से संबंधित है। हाल फिलहाल में 35वां आयोजन किया गया था, 1975 में इसे शुरू किया गया, और अभी यानी कि कुछ दिन पहले इसे आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित भी किया था, इसलिए ये न्यूज में था, तो इसे आप ध्यान रखें। ये है क्या? ये एक ऐसा मंच है जिसमें दोनों देशों के विद्वान, चिकित्सक, राजनयिक या फिर थिंक टैंक आपस में मिलकर आते हैं, और कैसे भारत और अमेरिका के बीच के जो व्यापारिक संबंध है उसको और मजबूत किया जाए, जो व्यापार में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे उसे सुलझाया जाए, इन सब चीजों पे बात विचार करते हैं। ये ट्रंप के आने के बाद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो थोड़े दूसरे दिमाग वाले हैं, वो अपने देश को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, अमेरिका ही ज्यादा करते हैं। तो यदि दोनों देशों के बीच इस प्रकार के अलग से मतलब सरकारी स्तर से बाहर निकलकर इस प्रकार के समिट हो रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। व्यापार रुकेगा नहीं, यदि नहीं रुकेगा तो वैश्वीकरण आगे चलते रहेगा, और ये सभी लोगों के लिए हित में है, तो इसे आप ध्यान रखें। आप बस यही याद रखेंगे कि ये आपको यदि ये पूछा जाए कि इंडिया आइडिया समिट जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किए जाने वाला एक मंच है, जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों के लोग आपस में मिलते हैं, बात विचार करते हैं, व्यापार को मजबूत करने की दिशा में कार्य करते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड कर लें और उसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू। आज हम MCQ नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ रीजन था, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन कुछ MCQ दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।